आप अपने फोन पे से किसी भी व्यक्ति को रुपए भेज रहे हैं या फिर रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पेमेंट फील्ड नज़र आता है और वहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से आ जाता है एरर। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करके आप देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है योर बैंक हैज़ ब्लॉक और फ्रीजन योर अकाउंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से आता है। आप बार बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका बताऊँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन का जो इंटरनेट है वो ऑन चालू कर लीजिए। उसके बाद आप प्ले स्टोर में आइए और यहाँ पे आपको सर्च करना है फ़ोन पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है फ़ोन पे एप्लीकेशन यहाँ सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है ये एप्लीकेशन अप टू डेट है कि नहीं है। अगर अपडेट नहीं हुआ तो यहाँ पे अपडेट लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको इसे सबसे पहले क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, नॉट नाउ कर दीजिए इस तरीके से आए तो। चलिए इसे आप अपडेट कर लेते हैं। फोन पे एप्लीकेशन जब आपकी अपडेट हो जाए तो इस तरीके से उसका कुछ इंटरफेस मिलेगा, अनइंस्टॉल और ओपन का। ठीक है, अब यहाँ से आपको बिल्कुल बैक होना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी फोन पे एप्लीकेशन को दबा के रखना है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से नजर आएगा, यहाँ पे आपको आई बटन नज़र आ रहा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, नहीं तो एफ इनपो करके आएगा तो उस पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे फोर्स स्टॉप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा स्टोरेज का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करके क्लियर कैच कर दीजिए। क्लियर कैच करने के बाद आपको फिर से ट्राई करना है। देखो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आए तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने फोन पे को लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल करके आपको फिर से इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको अपनी बैंक को ऐड करना है। ऑटोमेटिक ऐड हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, वैसे ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, आप अपने फोन पर से रिमूव कीजिए बैंक, फिर से ऐड कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है 100% फिक्स हो जाएगी। देखो फिर भी फिक्स ना हो, फिर आपको देखो क्या करना है, फिर भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपको क्या करना है, फिर मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे फिर भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, ये देख सकते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने सब कुछ कर लिया तो मैंने क्या किया, फिर ये सीधा लिखा हुआ था कि आपका जो बैंक अकाउंट है कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी बैंक में जाना है, अपनी शाखा में, ठीक है, जहाँ पर भी आपका खाता हो तो वहाँ पे जाएंगे आप। फिर वहाँ पे आप अपने खाते का KYC करवाएंगे। KYC अपडेट कैसे की जाती है, उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है और वहाँ पे आप KYC अपडेट कराइए, तभी आपका जो ये है फोन पे इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रांजैक्शन फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा। आपको जाना ही पड़ेगा शाखा में, ये ध्यान रखिए, घर पे कुछ नहीं होने वाला है। जय हिंद।